लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी दौरे पर हैं और इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। और ये बूंदी को पर्यटन की दृष्टि से हमें बनाना है और मुझे आशा है पर्यटन केवल बूंदी का नहीं, यहाँ के गांव का पर्यटन, यहाँ की बासमती का चावल, यहाँ का सैंडविच स्टोर। और इसीलिए जब मुझे पत्थर वाले मिले थे उन्होंने कहा पत्थर जरूर काटते हैं लेकिन हमारा इलाका सबसे हरा भरा इलाका होगा, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे सुरक्षित इलाका होगा। ये संकल्प हमारे पत्थर काटने वालों के मन में भी है, यहाँ पर खेती करने वाला किसान भी बैठा है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार हमारा संकल्प होना चाहिए कि हर गांव के अंदर हम फलदार पौधे लगाएं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हर पंचायत तक हम आपको फलदार पौधे पहुँचा रहे हैं। आप सामूहिकता के गांव में उत्सव हो और हर गांव के अंदर फलदार पौधे लगाकर जहां पर फल का के माध्यम से हमारी उपज भी आए और उस वर्ष से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और भावी पीढ़ी को पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, इस संकल्प के साथ हमें जाना है। मुझे आशा है आज हमारी शुरुआत हुई है, उसके बाद बूंदी के शहर नगर गांव के अंदर, बूंदी के गांव डानी के अंदर हम फलदार पौधे लगाएंगे। यहाँ भी हम फलदार पौधे को लगा रहे हैं, आने वाले समय के अंदर हर गांव के अंदर, हर डानी के अंदर। मैं आजकल देखता हूँ कि कई बूंदी के अंदर भी या कोटा के अंदर भी कई देखता हूँ कि लंबी लंबी खेती रहती है लेकिन पेड़ों का अभाव हो गया। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ी को लगे कि हमारे पूर्वजे पेड़ लगा के गए थे, कोई 50 साल का 60 साल का 100 साल का पेड़ आज मियाँ होगा और आने वाले समय के अंदर आपकी पीढ़ी उस पेड़ को बचा के रखेगी, आपको याद रखेगी कि मेरे दादाजी नानाजी हमारे पिताजी ने पेड़ लगाया था, आज ये वटवृक्ष छोटा सा पौधा आज वटवृक्ष के रूप में हो गया है, हमें छाया भी दे रहा है, फल भी दे रहा है और पर्यावरण को सुरक्षित भी रख रहा है। इसके साथियों हमारा यह संकल्प है कि हम बूंदी को हरा भरा बनाएंगे, बूंदी को स्वच्छ बनाएंगे। मुझे अभी नगर परिषद की चेयरमैन साहब कह रही थी कि बूंदी की सड़कें बहुत खराब है, ये बात मेरे ध्यान में आई थी लेकिन मैंने कहा कि राज्य सरकार का विषय है, मैं भी राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि बूंदी के लिए एक सड़कों के लिए स्पेशल पैकेज दे, वो भी प्रयास करें। सड़कों के अलावा बाकी जो काम है इस पर्यटन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से आप मुझे बताएं। मेरी कोशिश है कि इस बूंदी को जो ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी है, इस ऐतिहासिक पर्यटन नगरी को हम इसका इतिहास भी और वर्तमान भी इसका बेहतर बना सके, इसके लिए हम सब सामूहिकता के काम करें। आप सभी को आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम सब पेड़ लगाएंगे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी पेड़ लगाए, इसकी प्रेरणा हम उनको दें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ लगाएं और आगे आने वाली पीढ़ी भी पेड़ लगाए, इसकी प्रेरणा हमें देना जरूरी है। शहीद राम कल्याण स्मारक पहुंचे शहीदों को नमन ओम बिरला ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर खेल संकुल में वृक्षारोपण और इस दौरान पेड़ों की महत्ता को लेकर भी ओम बिरला बोले कि किस तरह से पेड़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वृक्षारोपण कितना ज्यादा जरूरी होता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये वृक्षारोपण कितना फ़ायदेमंद होगा और ये वृक्षारोपण जो करना बहुत ज़रूरी है हमारे वातावरण के लिए, जलवायु के लिए, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन देते हैं, प्राण वायु देते हैं, साथ ही साथ जो मौसम है उसे स्वच्छ रखते हैं, बारिश का आना, सर्दी का आना, गर्मी से बचाव करना, ये पेड़ों की वजह से ही है। इसलिए पेड़ों की महत्ता को ओम बिरला ने यहाँ समझाया।